तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपाची सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा नेटबीन सॉफ्टवेयर है, इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को इसी के अंदर बना रहा हूँ। जो कोडिंग सीखो फीस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसी के अंदर बना रहा हूँ। मैंने पहला पेज साइन अप बनाया था, मैं अब उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में कुछ बातें बताई थी कि ये जो हमारा साइन अप पेज है, आप जितनी भी डिटेल्स को एंटर करोगे, हमें उसे ना बैकएंड में कहीं तो स्टोर कराना है। उसके लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत है। अभी मैं बताता हूँ कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो एक एप्लीकेशन बना रहे हो, और आपको बैकएंड में कोई डेटाबेस चाहिए जिसके अंदर आप स्टोर करोगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब स्टोर करना है। तो उसके लिए आप जहां स्टोर करोगे, जिस जगह पे स्टोर करना है, उसके लिए आपको डेटाबेस जो है, डेटाबेस की जरूरत है। और ये स्टोर करने की जो प्रोसेस है, हम बहुत सारी कंपनीज हमें मदद प्रोवाइड करती है कि हम डेटाबेस में रखने के लिए आपकी मदद करेंगे आपके डेटा को। एक कंपनी उसमें से है MySQL, दूसरा है PHP माई एडमिन, उसके बाद जावा DB है जिसे डर्बी भी बोलते हैं, उसके बाद ओरेकल भी है, बहुत सारे। मैंने ओरेकल ऑलरेडी जो है, पिछले आप देखोगे सीरीज़ को तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओरेकल को किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है, या फिर MySQL को कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे देखो सर्विसेज का ऑप्शन है, ऑलरेडी मैंने डेटाबेस पे, मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, रुको, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से डेटाबेस के नाम। ये मेरा जो है कोडिंग सीखो फीस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस, ये डेटाबेस कनेक्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है कि आप कनेक्ट करो, क्योंकि मैंने अपने पिछले पार्ट में पासवर्ड वगैरह सब डाला था, सेटअप कैसे करते हैं वो मैंने अपने उसमें बताया हुआ था, सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। अभी मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। मुझे आपको मेन पूरी प्रोसेस समझानी है कि आखिर में काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। सिर्फ चार, मुझे लगता है चार लाइन में आपका सारा काम खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। ये मैंने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया अभी। अब डेटाबेस कनेक्ट कर लेने के बाद उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये बोल रहा है MySQL, नहीं मुझे ये वाला डेटाबेस नहीं चाहिए, अदर डेटाबेस में मैं जाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कोडिंग सीखो फीस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस, इस पे क्लिक करो, सेट एज डिफॉल्ट कैटलॉग, इसको सेट कर लो। बस आपने सेट कर लिया, डबल क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें दिखाई देगी, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, अदर डेटाबेसेस वगैरह, बस अभी हमें मतलब है अपने वाले डेटाबेस से। मतलब डेटाबेस मतलब एक जगह, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं बात करता हूँ एक एक करके कि टेबल्स का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूँ कि जनरली हमारा जो डेटा, जो रिकॉर्ड होगा, जो भी कुछ होगा, मतलब सब कुछ हम स्टोर करेंगे टेबल के फॉर्मेट में। जैसे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, स्टूडेंट का या फिर किसी भी एम्प्लॉई का लास्ट नेम क्या है, उसके बाद उसकी सैलरी क्या है, उसकी एज क्या है, ये सब आप टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करोगे। इसे हम बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम है। उसके बाद आप क्या स्टोर करोगे, उसकी पहली इन्फॉर्मेशन, मतलब पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, ये सब क्या है, रो हो गई, रोज हैं। रिकॉर्ड मतलब उसका फर्स्ट नेम है, मान लेते हैं अर्जुन पाटिल, लास्ट नेम, सैलरी है उसकी इतनी, एज है उसकी इतनी। आप ऐसे ही करके तो सब स्टोर करोगे। उसी तरीके से हमें एक टेबल बनाना है जिसका नाम है साइन अप। हमें एक टेबल बनाना है ना, साइन अप नाम का हम एक टेबल बनाएंगे। क्यों, साइन अप नाम का टेबल हमें इसलिए बनाना है ताकि हम उसके अंदर एक एक करके सारे रिकॉर्ड को स्टोर करा सकें। जैसे कि सारे रिकॉर्ड मतलब हमें इसके अंदर सारे कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। मतलब पहला जो रहेगा वो रहने वाला है फर्स्ट नेम। अपने ऐप के अंदर आप देखोगे तो यही है ना, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आप और कौन कौन सी चीज़ें, आपको भी पता होंगी, आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और क्या क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड, आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं, यूज़र नेम, यू नेम पासवर्ड, ऐसे आप बनाओगे। उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं, किसकी, मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड की, आपको सिर्फ एक ही बार पासवर्ड स्टोर कराना है, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर। तो वापस से ओपन करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे लिखता हूँ DOB और कॉन्टैक्ट नंबर। आप नाम कुछ भी रखो, उससे कोई मैटर, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इस तरीके से आपको स्टोर कराना है। अब ये मान लेते हैं इस तरीके से आप, हाँ लेकिन इसमें एक कॉलम मैं मिस कर चुका हूँ जिसका नाम है ID।
मतलब सबसे पहला वही रहेगा, वो वन बढ़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है। क्यों मैं बना रहा हूँ आईडी उसके भी बारे में बताता हूँ पहले आपको, लेकिन ये इस तरीके से आपको टेबल कैसे क्रिएट करने हैं, टेबल क्या होता है, कनेक्शन तो बात की बात है, पहले तो आपको ये बेसिक चीज़ें, ये आपको एसक्यूएल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाँ, इसमें लेकिन मैंने एक अभी मिस कर दिया है, और वो है आईडी वाला पार्ट, इस तरीके से। आईडी क्यों? आईडी इसलिए हमें चाहिए ताकि पहला जो डेटा स्टोर होगा उसका नंबर रहेगा 1, दूसरा जो रहेगा उसका रहेगा 2। तो एक आईडी नाम का भी आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आईडी। हाँ, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, जैसे पहली एंट्री आप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 1 असाइन हो जाएगा अपने आप 1 नहीं, आप खुद नहीं लिखोगे, यूज़र थोड़ी लिखेगा मैं 1 नंबर वाला यूज़र हूँ, मैं 2 नंबर वाला यूज़र हूँ, या मैं 5 नंबर वाला यूज़र हूँ। इसलिए आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होने वाली है, बस आपको लिखना क्या है, नेम, फर्स्ट नेम, जैसे अमित, उसके बाद लास्ट नेम शर्मा, उसके बाद आपको और कुछ चाहिए तो और भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसका मोबाइल नंबर क्या है, बस हो गया स्टोर। अगली बार आईडी अपने आप 2 हो जाएगी जब दूसरा डेटा स्टोर करोगे, तो आप जो डेटा स्टोर करोगे वो एक टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करोगे। वैसे भी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो RDBMS ही तो यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। हाँ, आप इसके अलावा एक डेटाबेस सिस्टम और सुने होंगे शायद, MongoDB डेटाबेस। इसमें क्या होता है, इसमें टेबल के फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, इसमें होता है, यही इतने सालों से चला आ रहा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं RDBMS को। MongoDB तो अलग है, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, ये थोड़ा अलग है। अभी मेरी आगे सीरीज आने वाली है जो MongoDB की, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा सेपरेटली कि ये जो MongoDB है वो क्या है, उसके बारे में हमें बात वैसे भी करना ही है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दूँ क्या इसे, रुको, ये हटा दिया। अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे कि हमें कनेक्टिविटी जावा और MySQL की कैसे करनी है। अभी वैसे तो मैंने इसमें ही अपना ये बता दिया आपको टेबल वगैरह के बारे में, चाहिए तो मैं जो कनेक्टिविटी होगी हमारी डेटाबेस और उसके बीच में, उसको मैं अपने अगले पार्ट में बात करता हूँ। चलो फिर, बाय सबको।